के 3 बजे में भाई, और जो श्रीलंकन पुलिस है वो भी मेरे पास आती है यहाँ पे, और सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लगे। और उनमें से एक जो पुलिस वाले भाई साहब थे वो मेरे को बोलते कि अच्छे आप इंडिया जाओगे अभी। मैं अभी क्यों जाऊँगा, बोलते नहीं आप बीच के पास सो रहे हो भाई, कैंपिंग कर रहे हो यार। अब देख सकते हो मुंह के ऊपर सूजन से आ रखी है, होठ ऐसे मोटे मोटे हो रखे हैं मेरे। एक तो सोया वैसे लेट था, हवा बहुत तेज चल रही थी, जो कैंप का बाहर वाला पार्ट था ना वो बाहर जो पिन लगा रखी थी उड़ गई, मतलब उड़ तो नहीं गई है मैं भी पास में ही, लेकिन हट गई। ये देखिए ये वाली पिन मैंने बाहर लगा रखी थी, ये बंद रखनी पड़ी मेरे को। एक पिन यहाँ पे, एक भाई साहब को तो कुछ ज़्यादा ही शक हो रहा था, बार बार मुझसे पूछ रहे थे अच्छा इंडिया जाओगे। मैं यार इंडिया जाऊंगा ना तो भी मैं फिर यहाँ से इलीगली क्यों जाऊंगा, मैं कोई गलत काम थोड़ी किया है। लेकिन कोई नहीं, अच्छी बात यह है कि पुलिस वाले मेरे सारी जो डिटेल्स वीटेल्स हैं सब लेके चले गए हैं, तो अगर मान लो अब इस आइलैंड के ऊपर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा भी रुकता हूँ तो मुझे पंगे नहीं होंगे। तो बस यार अब सोता हूँ वापस से, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी आपने जो क्लिप देखी थी वो थी कल रात की, रात के 2:30 बजे हुए थे, और पुलिस वाले उस टाइम मेरे पास आते हैं और आईडी चेक करते हैं कि भाई हाँ क्या कर रहे हो क्या नहीं। मज़ेदार बात ये लगी कि एक उनमें से दो पुलिस वाले आए थे, उनमें से एक पुलिस वाला भाई मुझसे बार बार ये पूछ रहा अच्छा आपके लिए रात को कोई बोट आएगी क्या, उसमें आप इंडिया जाओगे क्या। मैं यार मैं पागल हूँ क्या, मैं यहाँ से इंडिया जाऊँगा, मेरे को कंट्री से बैन वैन होना है क्या। और अगर मान लो यहाँ से मैं चला भी गया, अगर मान लो इंडिया में मैंने इमिग्रेशन नहीं क्लियर किया और बिना इमिग्रेशन के इंडिया में एंट्री हो गया, तो जब अगली बार जब इंडिया से बाहर जाऊंगा तब पंगे नहीं होंगे। पर कोई नहीं, उनका काम था, वो सोच रहे थे कि मुझे ट्रिक कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस में। मैं अगर मान लो मैं उस टाइप का बंदा भी होता, अगर इलीगली जाना होता तो ईजिली उन क्वेश्चंस के चक्करों में थोड़ी पड़ जाता। छोड़ो जो भी आ ठीक था, उनका काम था भाई और मेरा काम था जवाब देना, तो दोनों ने अपने काम किए, उन्होंने सवाल पूछे मैंने जवाब दिए। रात की जो कैंपिंग थी वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक रही, बीच में नींद एक बार जब पुलिस वाले आए तब खुली, और एक टाइम पर रात को बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी थी उस टाइम खुल गई। एक यूँ लगने लगा था कि कैंप टेढ़ा होके गिरने वाला है, तो बाहर निकल के 2-3 जगह मैंने स्टिक्स और लगाई। ये थी मेरी कैंपिंग लोकेशन, तो रात को मैं इसकी बात कर रहा था, इस साइड से ना कैंप उधर जाने लग गया था, तो ये वाली जो स्टिक देख रहे हो ना ये रात को लगाई थी मैंने। एक इधर वाली निकल गई थी, इसको लगाना पड़ा वापस से। टेंट के ऊपर अभी चीटियाँ वीटियाँ चढ़ी हुई हैं, उनको भी साफ़ करना है, इसको थोड़ा अंदर मिट्टी विट्टी चली गई, बीच वाली मिट्टी को हटाना है। पीछे ही एक छोटा सा चर्च बना हुआ है, एक हिसाब से अच्छी लोकेशन भी थी और ज़्यादा दूर भी नहीं था। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती या कोई पंगे वंगे होते तो आसपास मेरे लोग थे। ये श्रीलंका की मेरी पहली कैंपिंग है तो इसको मैं थोड़ा लाइटली करना ही चाह रहा था। मैं देखता हूँ एक बार ये लोकेशन कैसी है, यहाँ पर खाना वाना बना के और वो सब चीज़ें करने के लिए। अगर सही है तो पानी गर्म यहीं पे कर लूँगा, और मुंह धोने के लिए भी जगह चाहिए मेरे को, वो सब यहीं पे कर लूँगा। अरे ये तो मस्त है, ये मेरे हिसाब से जब लोग फिशिंग विशिंग करके आते होंगे उसके लिए जगह बना रखी होगी। और अब बिकॉज ऑफ द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे फ्यूल की बहुत ज़्यादा कमी है, तो बहुत सारे ऐसे फिशरमैन हैं जो फिशिंग के लिए जा ही नहीं पाते। चलो ठीक है, एक बार सामान वामान निकाल के आता हूँ, ब्रश व्रश करते हैं। मुंह धो लिया है ढंग से, ब्रश व्रश कर लिया है, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने खाना बनाने की। ये है मेरा स्टोव, ये भारी है थोड़ा, अब की बार अच्छा सा लेके आऊँगा, और इससे हल्के भी आते हैं। ये हो गया स्टोव का सेटअप, इसको बस थोड़ा सा पानी में रिंस करना है, कुछ कचरा उचरा पड़ा हो तो साफ हो जाएगा इससे। ये अपनी मैगी चिकन फ्लेवर है, तो शायद ये वेज ही लेकिन फ्लेवर चिकन वाला होगा। मैगी डाल दी, ये जो गैस है ना बुटेन एंड प्रोपेन, ये गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन सर्दियों में इसके साथ पंगा क्या है, -2-3 पे जाती है, जम जाती है। ये है वुडन चम्मच, अमेजोन से ऑर्डर की थी, 300 रुपये में ये सारा कटलरी सेट आ गया। बन गया भाई मेरा आज का खाना, अब देखते हैं श्रीलंका की मैगी कैसी है।
एक बात देखिए, मैंने जो मसालों का टेस्ट अपने इंडिया में है ना, वो बाकी जगह आपको नहीं मिलता है। पता नहीं क्या पंगा है, या तो पानी के साथ कोई पंगा है, या हवाओं के साथ पंगा है, या फिर मेरी साइकोलॉजी के साथ पंगा है। कहीं ना कहीं कोई पंगा तो है। जो खाने का टेस्ट अपने इंडिया में आता है वो और जगह नहीं मिलता है। और ये कटलरी सेट है इसके अंदर, ये देखिए, अब मैं ट्राई करूँगा चॉपस्टिक से खाने की। थोड़ा बहुत सीखा भी खाया है। चलो, खाना वाना बन गया, अब सामान को पैक करने का टाइम आ गया। इनको मैं अभी यहीं पे रख के जा रहा हूँ, क्योंकि इधर से सामान पैक करूँगा मैडम से। टेंट को पैक करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकाल के क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ चीज़ें जो अभी यहाँ पे काम में नहीं आने वाली हैं। सामान को सेग्रीगेट कर दूंगा ना, तो पैक करना भी इजी होगा और कुछ चीज़ भूलूंगा भी नहीं। एकदम सारा सामान वामान पैक करके और जो कचरा था उसको एकदम सही जगह पे सेट करके अब मैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकलूंगा। तो मैं लास्ट वीडियो में भी बात कर रहा था कि एक आइलैंड है जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। उसका इंडिया के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। सबसे पहले तो आप ये कुछ मीडिया की हेडलाइंस सुनिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं इस आइलैंड के ऊपर बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, इस आइलैंड के बारे में बार बार बात क्यों कर रहा हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। उन्होंने श्रीलंका से कच्चा थीवु द्वीप वापस लेने के लिए कहा है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके के बीच हुए समझौते में ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। An island has become the center of conflict between India and Sri Lanka. The island in focus is the Kutcha Thevu Island. Kutcha Thevu is an island between Rameshwaram and between Delft Island. Britishers ke time se ये आइलैंड था इंडिया के अंडर, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर। मद्रास एक स्टेट होती थी ब्रिटिशर्स के अंडर, और उसी मद्रास स्टेट के अंदर ये कच्चा थीवु आइलैंड आता था। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आइलैंड इंडिया के अंडर आ गया, लेकिन जो श्रीलंका भी थी वो भी इस आइलैंड को क्लेम करने लग गई। और इस आइलैंड के ऊपर जो मेन इनहेबिटेंट थे उस टाइम पर, देवर तमिल्स, क्योंकि दोनों तरफ तमिल मेजोरिटी एरिया है, एक साइड रामेश्वरम है और दूसरी तरफ जाफना है, तो दोनों में आज भी तमिल बहुल लोग मिलेंगे आपको। थोड़ा सा इस आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था, बट दैट आइलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया टिल 1974। लेकिन 1974 में एक ऐसी घटना होती है, अब वो मेन रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इतना पता है मुझे कि कब हुआ। तो 1974 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस आइलैंड का कंट्रोल श्रीलंका को दे दिया। एक हिसाब से उन्होंने ये आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि UN में कुछ वोटिंग होनी थी और श्रीलंका का वोट गेन करने के लिए जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इस आइलैंड को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। और भी कुछ अटकलें लगाई जाती हैं, अब श्योर तो मैं भी नहीं हूँ। अगर आप में से किसी बंदे को ये बात एग्जैक्टली पता है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेन रीज़न क्या था इस कच्चा थीवु आइलैंड को श्रीलंका को देने का। तो जो कच्चा थीवु आइलैंड है, काफ़ी टाइम तक 1974 के बाद भी जो इंडियन फिशरमैन थे और श्रीलंकन फिशरमैन थे वो दोनों इस आइलैंड को यूज़ करते रहे। लेकिन रिसेंटली श्रीलंकन नेवी की तरफ से प्रेशर आने लग गया कि भाई जो इंडियन फिशरमैन है वो इस आइलैंड को यूज़ ना करें। वैसे साल के अंदर एक फेस्टिवल होता है, सेंट एंथनीज फेस्टिवल, और उस टाइम पर इंडियंस भी इस आइलैंड के ऊपर जा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। बस आपको शायद अपनी जो ID प्रूफ है वो दिखाना होगा। एक ये क्रिश्चियन लोगों का कोई गुरु हुए थे और उनके नाम से एक फेस्टिवल होता है सेंट एंथनीज फेस्टिवल, मार्च और फेब के टाइम होता है। उस टाइम श्रीलंका के लोग और इंडिया के लोग इस आइलैंड के ऊपर विजिट कर सकते हैं। बाकी पूरे टाइम पर ना श्रीलंकन यहाँ पर जा सकते हैं और ना इंडियन यहाँ पर जा सकते हैं। आपने काफ़ी जगह पर पढ़ा हुआ कि कई बार जो हमारी इंडियन नेवी है वो श्रीलंका के फिशरमैन को पकड़ लेती है, और कई बार जो श्रीलंकन नेवी है वो हमारे इंडियन फिशरमैन को पकड़ लेती है। बात क्या है कि पंगा है इस जो पाक स्ट्रेट पड़ती है, जो इंडिया और श्रीलंका के मैरीटाइम बॉर्डर को डिवाइड करती है,
वहाँ पे बॉर्डर ढंग से डिफाइंड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिशरमैन ज़्यादा मछली पकड़ने के चक्कर में एक दूसरे के जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको क्रॉस कर देते हैं, और इस कारण से जो दोनों की नेवी है, अपनी इंडियन नेवी भी और श्रीलंका नेवी भी, वो हरकत में आ जाती हैं और फिशरमैन को कैच कर लेती हैं। तो ये सब सीन चल रहा था लगभग 1974 के बाद। तमिलनाडु में काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे कि भाई इस आइलैंड को श्रीलंका को क्यों गिफ्ट कर दिया। चीज़ें नॉर्मल चलती रही 2014 आते आते, जब जल मिलता वापस गवर्नमेंट में आती हैं, तब वापस से जो कच्चतीवू आइलैंड की जो डिमांड है इंडिया में वापस लेने की, वो बढ़ जाती है। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे जयललिता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी डाली कि भाई जो कच्चतीवू आइलैंड है उसको इंडिया के अंदर वापस से ऐड किया जाना चाहिए श्रीलंका से बात करके, और फिर ये मामला तूल पकड़ गया। आज से 8-9 महीने पहले जो अभी करंट तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी से बात की कि भाई कच्चतीवू के ऊपर कोई ना कोई फैसला ज़रूर होना चाहिए, इसे वापस इंडिया में शामिल करना चाहिए। तो अब उस टाइम पहली बात तो आइलैंड दिया क्यों गया था, और अब अगर आइलैंड दे दिया है तो अब वापस से डिमांड क्यों उठ रही है। सबसे बड़ा जो इसके अंदर झोल है वो फिशरमैन के एरिया वाला ही है, क्योंकि जब भी आप अपनी लैंड देते हो साथ में, तो उस लैंड के साथ साथ कुछ सी का पार्ट होता है, जैसे 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कुछ इकोनॉमिक जोन होती है, उसके अंदर किसी और कंट्री के बंदे ना तो फिशिंग, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो उस कंट्री की स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। आइलैंड का टोटल एरिया है 1.15 किलोमीटर स्क्वायर, और जो उस टाइम एग्रीमेंट हुए थे उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। मैंने शायद आपको थोड़ी देर पहले गलत बता दिया था। तो उस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई गई है वो एकदम फ्री होगी, ना इंडिया के फिशरमैन जाएंगे ना श्रीलंका के फिशरमैन जाएंगे। यहाँ से कच्चतीवू है 21 किलोमीटर, और रामेश्वरम से कच्चतीवू पड़ता है 23 किलोमीटर, एकदम सेंटर में है। और अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से रामेश्वरम पड़ेगा 46 किलोमीटर्स, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, कच्चतीवू से 23 किलोमीटर्स। अभी मैंने ड्रोन शॉट लिए हैं, और मैं कोशिश कर रहा था कि जो कच्चतीवू आइलैंड है वो इस डेल्फ आइलैंड से दिख जाए, लेकिन विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। बाकी अभी जो मैंने ड्रोन शॉट लिए हैं ये लिए हैं श्रीलंका के डेल्फ आइलैंड से। बाकी यार मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी स्पार्क नहीं करना चाहता, ना कोई मेरा ऐसा मकसद है कि, क्योंकि जो कच्चतीवू आइलैंड है इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में एक ट्रीटी हुई थी, और 1976 में उस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। इट मींस वो श्रीलंका की अब सॉवरेन टेरिटरी बन गया है। तो मैं जो श्रीलंका की सॉवरेन टेरिटरी है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना मेरा मकसद है कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो। मैं बस, जैसे मैं क्यूरियस था और ये बात मुझे शॉकिंग लगी, बस वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा था। बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों तक वही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था जो शायद आप लोगों को पहले ना पता हो। और अगर आप में से कोई भी लोग इस आइलैंड के ऊपर जाना चाहते हो तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि मार्च या अप्रैल में, फेब मार्च अप्रैल के बीच में एक फेस्टिवल होता है सेंट एंथनीज का फेस्टिवल, उस टाइम पर आप बिना पासपोर्ट के और रामेश्वरम से फेरी चलती हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इस कच्चतीवू आइलैंड के ऊपर पहुंच जाओगे। इस आइलैंड के ऊपर वैसे रहता कोई नहीं है, इस आइलैंड के ऊपर आपको श्रीलंका नेवी मिलेगी, इस आइलैंड के ऊपर श्रीलंका के लोग भी नहीं रह सकते। अब यहाँ से जगह देखनी कि मैं जा किधर सकता हूँ। मोस्टली इस आइलैंड के ऊपर आपको जो दीवारें वीवारें मिलेंगी वो इसी टाइप के मटेरियल से बनी हुई हैं। और हाँ, जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ कच्चतीवू आइलैंड, एग्जैक्ट तो मुझे याद पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक वोल्केनिक इरप्शन हुई थी उससे फॉर्म हुआ था। मोस्टली वो आइलैंड इंडिया के अंडर रहा था, क्योंकि उस टाइम में जो चोला वोला किंगडम थे और जो पुराने किंगडम्स थे उन सब ने इस आइलैंड के ऊपर राज किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए,
ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके नीचे दे दिया, और जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद भी उस आइलैंड के ऊपर श्रीलंका ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1974 तक इंडिया ने उस आइलैंड को कंट्रोल किया। 1974 में जो हमारी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जो उस टाइम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे उनके साथ कोई ट्रीटी साइन की मैरीटाइम ऐसा। और एक और बात बोली जाती है कि जो इंडिया और श्रीलंका का मैरीटाइम बॉर्डर है उसको ढंग से सुलझाने के लिए भी इंडिया ने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। अब एग्जैक्ट कारण मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं भी उन कारणों को समझ पाऊँ। कच्चे थे वो तो नहीं जा पाए, लेकिन अब डेफ्ट आइलैंड के नज़ारे देख लीजिए आप। ये कोई पुराना घर है लेकिन इस घर को लोग छोड़ के जा चुके हैं। एक चीज़ और देखी है मैंने इस आइलैंड के ऊपर, लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं। ये नारियल तो नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये नारियल जैसा दिख रहा है और ऊपर भी कुछ नारियल जैसा ही लगा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो नारियल नहीं है। बाकी इधर डेफ्ट आइलैंड से जाफना जाने के लिए जो फेरी थी, सबसे पहले वाली फेरी तो जा चुके हैं, सुबह 7 बजे निकलती है वो, और अब जो अगली फेरी है वो दोपहर के 3 बजे हैं। अभी टाइम शायद 9 के आसपास ही हुआ होगा, हाँ 9:30 हुए हैं, तो लगभग 5 घंटे के आसपास मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर मैं लकी हुआ तो शायद मुझे कोई जो फिशरमैन की बोट है या फिर और कोई बोट जा रही होगी वो मिल जाएगी, नहीं तो फिर चांसेस कम है। हेलो अन्ना, अन्ना पियर बोट बस बस बरम बस इले बोट टाइमिंग बोट टाइम मूंड बनी वन रेंड मूंड वन रेंड मून नाल मूंड बनी मूंड बनी आगे जेटी ने बोर जेटी उंगे पेरे ना हाँ उंगे पेरे ना इन्हें परम आनंदम पर आनंदम हाँ इंदरम निगे இல்லை அண்ணா தமிழ் கொஞ்சம் நீங்கள் எந்த ஊர் இந்தியா யா டெல்லியா மீன் கோயில் போலனே வாலா சார் இப்போ இங்கிலீஷ் கே பனிமா பாய் சாப் ரஷ்யன் இத்தனை ஜாதா போலி ஹே கி ஹர் டைம் ரஷ்யன் நிகழ்த்தி ஜுபான் சே தோ தமிழ் மேற்கு தோடி போத் ஆதி ஹே தோ மேம் 10 தக் கிணத்தி கா சக்தா ஒன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அடல அட்டு ஒம்பது பத்து ஆ கரெக்ட் और तमिल के अंदर नाम कैसे पूछते हैं उंगे पेरे ना मीन्स आपका नाम क्या है, कोंजुम मतलब थोड़ा थोड़ा, और सापड़ मीन्स खाना। अभी वापस से कच्चे तीवू की डिमांड इसलिए भी उठने लग गई है क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने इस आइलैंड के ये जो डेफ्ट आइलैंड है या फिर जो आसपास जाफना रीजन में श्रीलंका के जो आइलैंड पड़ते हैं वहाँ पर एक दो चाइनीज़ कंपनीज़ को पावर प्रोजेक्ट दिए हैं, और इंडिया को इससे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है क्योंकि कहीं अगर वो यहाँ पे सर्वेलेंस कोई चीज़ लगा दे चाइना में भी, इसी कारण से कच्चे तीवू वापस से हेडलाइंस में आने लग गया है। कल शाम को इसी दुकान से मैंने पानी वानी खरीदा था और अब यहीं पर पहुँच गया, और यहाँ पर इनसे मैंने पूछा कि यार उधर पियर तक जाने के लिए मुझे कुछ मिल जाएगा क्या, बोलते कि 2:30 बजे बस आएगी और अगर उससे पहले जाना है तो ऑटो ले सकते हो और नहीं तो फिर हिचहाइक कर सकते हो। तो अब मैं सोच रहा हूँ हिचहाइक करके ही वहाँ पे पहुँचूँ क्योंकि मेरे पास अगली बोट पकड़ने के लिए 4 घंटे ऑलरेडी 4 घंटे हैं। 4 घंटे में तो अगर मैं पैदल भी जाऊँगा ना तो भी पहुँच जाऊँगा। अरे ये वही कंडक्टर भाई साहब जो कल मिले थे मुझे, इन्हीं कंडक्टर भाई साहब ने मुझे इस दुकान के बारे में बताया था और बोला था कि यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। फ्रॉम हेयर यू कैन सी कच्चे तीवू नो कैन वी सी कच्चे तीवू नो रामेश्वरम टावर टावर सी सुमित टाइम टावर नॉर्मल टाइम यू कैन सी रामेश्वरम टावर। तो यहाँ से अगर समुद्र साफ वाफ और सारी चीज़ें सही हो तो यहाँ से जो रामेश्वरम टावर है वो इजीली दिख जाता है। अन्ना कह रहे हैं रामेश्वरम के जो फिशरमैन वो कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बार बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करूं या फिर किसी भी नेशन की सोवरेन टेरिटरी के ऊपर सवाल उठाऊं। मैं बस एज ए इंडियन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी और जो बात मुझे पता चली रिसेंटली वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और बाकी हाँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।